हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो गाइज, मैं सामने हूँ आपके अगेन, और इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने बेसिक मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है उसके बारे में समझा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है वो समझा हमने। इसके अलावा हमने एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो हमने समझा था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड्स के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि आप बेसिकली मैकेनिकल और पीआई वाले इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी कंपनी के नाम के आगे ISO 9001 लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब क्या है। तो आज पूरा लेक्चर इसी के ऊपर चलने वाला है, और इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे अपनी रियल इंजीनियरिंग जो गेट के सिलेबस में है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी पता ही है, बाकी इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सही पढ़ाया जा रहा है, तो काइंडली मुझे फॉलो करिए ऑन द गिवन लिंक हियर। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक ना, मैं ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, दैट इज़ अ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन एक तरह से, जिस तरह से आजकल HDFC बैंक का लोगो है, पंचलाइन है, दैट इज़ बैंक आपकी मुट्ठी में, सेम उसी तरह से जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो कोचिंग आपकी मुट्ठी में। इसमें आपके क्या क्या इसकी खासियत है वो सब ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, और मैं पिछले लेक्चर्स में इनको ऑलरेडी डील कर चुका हूँ। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ना, सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन का लगता है वो ये है कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होने वाली, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगा, आप तब चाहो तब इसको देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर लाइव सेशन ले रहे हैं तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, आप मान लो अपनी सिटी छोड़ के किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ अपना लैपटॉप और या मोबाइल कैरी करिए, और वहीं पे आप डायरेक्टली अपना लेक्चर नेट ऑन करके देख सकते हैं। नाउ गाइस, एज यू नो आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, और मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मॉर्निंग में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चलेगा 11 to 12, और नाइट में 9 to 10 चलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो गाइज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना एक बात का कि आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है अगर आप मेरा ये यूनिक कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ GPS लाइव। जैसे आप इस GPS लाइव को अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो यू कैन सी हियर देयर इज़ अ फीस ऑफ 24 मंथ, दैट इज 40,000। 24 महीने की फीस 40,000 रुपये, मतलब 2 साल की फीस 40,000 रुपये। और जैसे आप मेरे इस कोड को डालेंगे ये फीस घट के कितनी रह जाएगी, 36,000, 4,000 रुपये का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दैट इज़ वन ईयर, तो आपको 25,000 फीस लगेगी। बट जैसे आप ये GPS लाइव कोड डालेंगे, दैट इज़ अ रेफरल कोड, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए, नीडी लोगों को भेजिए जिनको वाकई में ऐसी कोचिंग्स की ज़रूरत है। तो जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपकी फ़ीस में फ़ौरन 2500 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, दैट इज़ अ 10% ऑफ 25,000, और कितनी फीस रह जाएगी आपकी, 22,500। ठीक है गाइज, इसके अलावा आपको ये सब करने के लिए अनअकैडमी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, और यहाँ से गेट सेक्शन चूज करिए और अपने फैकल्टी से अपने लेक्चर लीजिए। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं द रियल टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो हमने पढ़ा था। हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था लीन मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, चलिए आप आगे मूव करते हैं, बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो हमने, मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। ठीक है, मैंने आपको बल्ब वाला एग्जांपल दिया था कि जब हम बल्ब खरीदते हैं तो वो बल्ब डायरेक्टली किस में लग जाता है, होल्डर में लग जाता है, कभी भी उसका डायमीटर बल्ब का डायमीटर छोटा या बड़ा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। यानी कि स्टैंडर्ड का एक सिंपल था मतलब कुछ इस तरह से कि ये कुछ तरह के रूल्स और रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक, तो लाइक मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, संविधान की, तो संविधान क्या है, संविधान भी तो हमें ये बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है संविधान। तो वो संविधान अगर मैं पूछूं क्या चीज़ है आपसे, तो आप बोलेंगे कि सर संविधान एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
ठीक है, उसमें कई सारी आर्टिकल्स हैं कि इस आर्टिकल के तहत आपको फांसी हो जाएगी, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जो हमारा संविधान है वो एक डॉक्यूमेंट है, और संविधान क्या चीज है, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी तरह से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भी क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस है एक तरह के कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसे चीजों को फॉलो करोगे तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होगी। तो सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है, सेम उसी तरह से एक स्टैंडर्ड भी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, तो हर चीज का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। मान लो आप गियर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा, आप मान लो कोई कार बना रहे हो तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा, आप मान लो व्हील बना रहे हो तो उसका अलग स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा। तो स्टैंडर्ड इज नथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि क्या बताने वाला है हमें, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टैंडर्ड इज डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स रिक्वायरमेंट कॉमा स्पेसिफिकेशंस गाइडलाइन और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड कंसिस्टेंटली टू एंश्योर दैट आ मटेरियल आ प्रोडक्ट आ प्रोसेस एंड आ सर्विस इज फिट फॉर देयर पर्पस। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन फॉलो करने हैं, क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, वो सारी चीजें लिखी होंगी। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जो भी चीज आप बनाने वाले हैं, इधर मटेरियल प्रोडक्ट वॉट एवर, वो अपने पर्पस में परफेक्टली फिट बैठेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। ठीक है गाइस, तो ये थी डेफिनेशन, आगे मूव करते हैं नाउ। तो कई तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ISO, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो ISO, कुछ बच्चों को इसकी डेफिनेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है गलत पता है। कुछ लोग बोलते हैं ISO स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सम पीपल सेज दैट कि ISO में इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो जो कि बिल्कुल गलत है सर। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल, ये इंडियन नहीं है, बाहर का है, इंटरनेशनल है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, माइंड इट प्लीज, ISO। तो ओ पहले आएगा, एस बाद में आएगा। ठीक है, कुछ लोग गलत पढ़ लेते हैं, कुछ लोग रट लेते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी गलत है। तो क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल है। इंडिया की बात करें, यस, तो इंडिया का भी स्टैंडर्ड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द BIS, शायद आपने नाम सुना होगा, BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको फॉर्मरली पहले हम जानते थे ISI के नाम से, आपने नाम सुना होगा, ISI मार्क देख के लाइए भैया, ISI का मार्क लगाए कि नहीं, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे, मान लो हम खाने पीने की चीज खरीदते हैं तो हमारे जो पिताजी लोग थे या हमारे जो बड़े बूढ़े थे बोलते थे ISI मार्क का देख के लेके आना। तो ISI की जो फुल फॉर्म थी, उसकी फुल फॉर्म थी बेटा, पहले जब ISI यूज होता, दैट वॉज द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो गाइज प्लीज रिमेम्बर, ये जो फुल फॉर्म है ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, क्योंकि आप लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो या प्रोडक्शन वाले इंजीनियर हो आप, तो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन करने वाले हो, और अगर आप प्रोडक्शन करने वाले हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाना पड़ेगा, तो आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है गाइज, तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, एंड दिस इज द BIS। नाउ अब स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो हम पहले बात करेंगे ISO स्टैंडर्ड की, और हम ISO को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आजकल सारी कंपनी ISO से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी को ISO सर्टिफिकेट मिले। तो पहले बात करेंगे कि ISO का फॉर्मुलेशन, जो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो याद रखेंगे किसी भी ISO स्टैंडर्ड में तीन चीज़ें होती हैं, तीन टर्म्स होते हैं, पहला टर्म हो गया ये, दूसरा टर्म हो गया ये, और तीसरा टर्म हो जाएगा ये। ये तीन टर्म से मिलके बनेगा किसी भी ISO का स्टैंडर्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इसमें ये पहला टर्म क्या बताता है, पहला टर्म बताता है ऑर्गेनाइजेशन को, किसको बताता है, ऑर्गेनाइजेशन, पहला टर्म ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा, और जो कि ऑलरेडी कौन है, ISO, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ISO ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इस पूरे फॉर्मुलेशन में,
वो फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखना बेटा, पूछा जाता है ये फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कौन है, ऑलरेडी आईएसओ। दूसरा टर्म जो दिखा हुआ है ये वाला 9001, इसका मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड, फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब कि ये जो स्टैंडर्डाइज आपको किया गया है वो किस फील्ड में किया गया है, क्वालिटी के फील्ड में, एनवायरमेंट के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो किस फील्ड में मिला है। तो ये जो सेकंड टर्म है ये फील्ड को बताता है, ठीक। और जो थर्ड टर्म होता है ये बताता है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब, या ईयर ऑफ राइटिंग यू कैन से, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट है, एज आई टोल्ड यू, जिस तरह से हमारा संविधान है वो लिखा गया है उसी तरह से डॉक्यूमेंट भी लिखे जाते हैं। समझ में आ रही बात कि पर्टिकुलर मान लो गियर के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट में लिख दी जाएगी। तो यानी कि जिस सन में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया वो क्या कहलाएगा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और यू कैन से ईयर ऑफ राइटिंग, कि किस सन में वो लिखा गया, किस सन में उसको बनाया गया। समझ में आ रही बात। तो जिस तरह से हमारा संविधान समय के साथ साथ अमेंड होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसमें बहुत सारी चीजों को हम चेंज कर देते हैं, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स भी समय के साथ साथ इनको हम चेंज करते रहते हैं। तो ये जो मैंने स्टैंडर्ड लिखा हुआ ये बेसिकली स्टैंडर्ड है, पूरे फॉर्म है इसकी, ये दैट इज आईएसओ 9001:2008। बट अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है वो बता दूं आपको, अभी आया हुआ है आईएसओ 9001:2015, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट 2008 में लिखा गया, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किए गए। क्यों अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि आप और हम जानते हैं धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इज ऑब्वियस, आगे मैं सोम में पढ़ाऊंगा इस चीज को, मेरा जो सेकंड लेक्चर आप देखेंगे सोम वाला, तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो उसी हिसाब से जो चीज 2008 में लाई कर रही थी कहीं पे भी, वो अब क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर के चेंज होने से मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो हो सकता है क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाए। तो उसी हिसाब से कुछ अमेंडमेंट किएगा और नया डॉक्यूमेंट तैयार किएगा 2015 में, यानी कि दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। यानी कि अगर आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है आईएसओ 9001, तो उसके आगे 2008 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 2015। आ रही बात समझ में। तो गाइस तीन चीज याद रखनी है, पहला टर्म बताएगा ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा टर्म बताएगा फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड किस फील्ड में मिला हुआ है, और तीसरा टर्म आपको बताएगा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कि किस साल में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में देखते हैं, जो आपको नाम इनके याद रखने हैं। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि आईएसओ 9001 रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन आ जाएगा कि आईएसओ 9001 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चार ऑप्शन दिए होंगे, एक आपको चूज करना होगा। तो गाइज आईएसओ 9001 ये सीरीज होती है, एक्चुअली ये सारी सीरीज होती है, आपको याद रखना है, सारे स्टैंडर्ड आईएसओ होंगे लेकिन ये जैसी सीरीज चेंज होगी उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो 9000 वाली सीरीज है, तो जैसे ही आईएसओ 9001 कहीं पे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब फॉर एन एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है गाइस, वन सेकेंड प्लीज, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो इट इज ऑब्वियस कि आप चाहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिके, और किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कि मेरा मेरी कंपनी की व्यू बढ़े, लोग मुझे जाने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनी के नाम के आगे कुछ लगाना चाहते हैं ताकि मेरी कंपनी को कोई अलग से ही पहचान पाए। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग आईएसओ को कॉल करते हैं, एक लेटर लिखते हैं कि सर हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारी कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, तो काइंडली आइए और हमें सर्टिफाइड करिए। तो वो क्या करेंगे, आपके लेटर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो 5-7 मेंबर आपके कंपनी में भेजेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंपनी। तो वो मेंबर आपकी कंपनी में कई समय तक रुकेंगे और आपके प्रोडक्ट को पूरे को चेक करेंगे कि आप वाकई में क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, वाकई में आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और आप अपनी कंपनी के आगे क्या लिखवा लोगे देखेंगे सामने, आप अपनी कंपनी के आगे क्या लिखवा दोगे, NISO Certified Company, क्या लिखा दोगे, NISO Certified Company, या आप अपनी कंपनी का आगे लिख दोगे, और ऐसा आपने देखा भी होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, ठीक।
चलिए तो 9000 उनका क्या मतलब, फाइनली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पीएसयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 9000 उनका मतलब पता होना चाहिए, दैट इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि अगर कोई कंपनी 9001 को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। ना बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज आईएसओ 14001। ये भी सीरीज है, 14001 का मतलब होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपकी कंपनी में से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है या आप एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो, तो इट इज ऑब्वियस कि आपको गवर्नमेंट फिर चलने नहीं देगी अपनी कंपनी और आपको बंद करनी पड़ेगी। तो अब इसका विपरीत रूप देखते हैं कि अगर आप कुछ इस तरह से अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो आप थोड़ा बहुत एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, बट उसके साथ साथ आप एनवायरमेंट के लिए सोच भी रहे हो, आप बहुत सारे पौधे लगाते हो, आप हर साल वृक्षारोपण करते हो, इसके अलावा आप कंपनी अपनी कंपनी के अंदर ही आपने इतनी हरियाली कर रखी है कि बहुत अच्छी लगती है कंपनी आपकी, कुल मिला के आप एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या सोचते हैं, आप उस फील्ड में कितना काम करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो गाइज आप अगेन आईएसओ को लेटर लिखेंगे कि वी आर डूइंग दिस, हम एनवायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, हम अपने वातावरण के लिए सोच रहे हैं, तो आइए एक बार हमें देखिए। तो वो लोग आएंगे अगेन, सारा कुछ चेक करेंगे, 8-10-15 दिन रुकेंगे आपकी कंपनी में, और उन्हें लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको सर्टिफाइड कर देंगे। और आप अपनी कंपनी के आगे एक और दो चीज़ लिख सकते हैं, पहले का लिखा आपने ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी, और अगेन आप लिख सकते हो ISO 14001 सर्टिफाइड कंपनी, यानी दो सर्टिफिकेशन आपको मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इन जनरल ये दो सर्टिफिकेट आजकल हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि क्वालिटी तो देनी देनी है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरा फिर एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ISO 22000 याद रखेंगे, अब जैसे सीरीज चेंज हुई नाम मतलब चेंज हो गया, इसका मतलब होता है FSMS, फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है इसका, फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब फूड सेफ्टी। गाइज आप और हम जानते हैं कि आजकल के जो युवा हैं, या युवा क्या आजकल तो सभी हो गए एक से ही, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से हुई है कि हम बाहर रहते हैं, घर को हम छोड़ चुके हैं, है ना, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला, सुनी हुई कहावत आपने, है ना, तो घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हर बंदा घर से बाहर रह रहा है। ठीक, अब ऐसे में होता है क्या, घर वाले तो मिलते नहीं है, तो खाना का खाते हैं हम लोग, ढाबे का खाते हैं, या आजकल तो ऐसा कुछ हो गया, पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तमाम तरह की चीज़ें खुली हुई हैं। ठीक, और पैक्ड फूड, पैकेट वाले फूड, पैकेट खरीदा, मैगी बना ली, इसी तरह से तमाम तरह के फूड आजकल अवेलेबल हैं जो रेडी टू ईट है, कुछ नहीं करना, गैस पर भूजना, खा लेना है। तो वो जो फूड हम खा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है भी या नहीं, तो उसको निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, होना चाहिए। आपको याद होगा कुछ साल पहले मैगी, जो मैगी आप लोग खाते हो, वो मैगी बैन हो गई थी, याद है, नहीं याद है, उस मैगी को बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कुछ पदार्थ ऐसा था जो हेल्थ के लिए हैजार्डस था। तो क्यों बैन, किसने बैन कर दिया, कोई अथॉरिटी तो होगी ना, तो गाइस वो अथॉरिटी, क्योंकि मैगी इंडिया में बिक रहा था, तो मैं आपको बता दूं, दैट अथॉरिटी वाज FSSAI, फसाई, है ना, मैं इसको शॉर्ट में फसाई बोलता हूँ, FSSAI, फसाई। आप इंडिया में जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो भी चीज़ आपके मुंह में जा रही है, इंक्लूडिंग योर फूड, इंक्लूडिंग योर मेडिसिन, इंक्लूडिंग योर लिकर्स, दारू, समझ में आ रहा है, दारू तक FSSAI प्रमाणित करता है। मतलब कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं, जो आपके मुंह में डायरेक्टली जाती है, उसको FSSAI से सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके हाथ में भी कोई चीज़ हो खाने पीने वाली जो आपने बाहर से खरीदी, तो चेक कर लो, उस पर FSSAI का लोगो लगा हुआ, नीचे लाइसेंस भी लिख रहा होगा, लाइसेंस नंबर, और ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो चोरी करके बेच रहा है। अदरवाइज जितनी भी अच्छी कंपनी है वो FSSAI से सर्टिफाइड लेंगी ही लेंगी, तभी वो अपना खाने वाला प्रोडक्ट इंडिया में बेच पाएंगी। तो गाइज फूड सेफ्टी का इंटरनेशनल जो सिस्टम मैनेज करता है वो ISO है, ISO का कौन सा स्टैंडर्ड, 22000। अब इंडियन लेवल पर आए तो इंडिया में जो बेटा प्रमाणित करता है वो होता है FSSAI। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पूछ सकता है कभी भी कोई भी। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो फूड के सेफ्टी के लिए काम करती है,
और अगर आप कोई भी चीज़ ही आप कोई समोसा बेच रहे हैं ना, तो उसको भी प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा FSSAI से। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए आज, आप जहाँ भी जाएंगे, जितने भी आप ढाबे वाले पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो FSSAI का सर्टिफिकेट उसे लेना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो अभी चोरी छुप के काम कर रहा है। अदरवाइज मैंने जनरली मैंने खुद देखा है कि आप एक नॉर्मल किसी ठेल वाला जो डोसा बेच रहा है कहीं पे, वो भी सर्टिफिकेट को लेता है। ठीक है गाइस, बाकी उसकी सेफ्टी क्या है वो मैं नहीं जानता, बट हाँ अपने इंडिया में उसको सर्टिफाइड करना ही होगा। वो कैसे करना है वो आप भी समझते हैं। चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, आगे मूव करते हैं, और इन स्टैंडर्ड्स के नाम याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। ये तीनों जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, इनका सीरीज याद रखना है। 22,000 का मतलब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, 14,001 का मतलब एनवायरमेंटल, और 9001 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्टार्टिंग वाले, 9001 का मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट ISO 26,000, इसका मतलब है SRMS, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लिसन केयरफुली नाउ गाइस। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जब खुलती है, मान लो कोई रिफाइनरी खुली या कोई केमिकल इंडस्ट्री खुली, तो उसके आसपास के जो खेत होते हैं वो बंजर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ आसपास हम खेती नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। मतलब कुल मिला के पब्लिक इफेक्ट होती है वहाँ की आसपास की। या मैं बोलूँ कि आजकल कुछ इस तरह से भी है कि लोग, बड़े जमींदार लोग जो होते हैं, जो जिन्हें कंपनी खोल रही है, वो छोटे किसान लोगों की जमीन को हड़प लेते हैं। ठीक है, पैसा देते हैं नो डाउट, बट फिलहाल वो उन्होंने हड़प ली, तो उस केस में क्या होगा कि आजू बाजू वाले किसानों की जमीन भी खराब हो जाएगी। कुल मिला के कोई भी कंपनी जब खुलेगी तो थोड़ा सा उधर का एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक कोई केमिकल इंडस्ट्री। तो ऐसे में सरकार ने कुछ नियम बनाए। आपने सुना होगा गाइस, आप जैसे मार्केट में जब बाहर निकलते हो, आप देखते हो प्याऊ लगे रहते हैं, प्याऊ समझते हैं जहाँ पानी पिलाया जाता है, या आप देखते हो कि कोई अपाहिज बंदा होता है, वो अपने ऐसे खींचने वाली गाड़ी को, हाथ से खींचने वाली गाड़ी पे चलता है, और इन सब चीजों के पीछे लिखा रहता है कि सौजन्य से पंजाब नेशनल बैंक, या सौजन्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आप किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे पंखे में लिखा होगा सौजन्य से भारतीय स्टेट बैंक। तो ये जो प्याऊ की बात करी मैंने, या मैंने वो गरीब आदमी जो जिसके अपाहिज आदमी था, जिसने साइकिल, जो अपने हाथ से साइकिल को खींच रहा था, क्या ये इन बंदों को ये बैंक ने जो चीजें दी हैं मजे करके, मतलब अपने मजे में दी हैं कि लो भाई ले लो मजा आ रहा है। मैं सर कोई भी अपना प्रॉफिट देना नहीं चाहता। एक्चुअली गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि इफ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, क्योंकि आपका प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, कस्टमर की वजह से। ऑलवेज रिमेंबर, कस्टमर इज द किंग, ऑलवेज रिमेंबर, कस्टमर जो होता है गाइस वो किंग होता है, कस्टमर इज किंग। आप चाहो तो दुनिया पलट सकते हो सर, जो भी इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है वो आपकी वजह से चल रही है, कस्टमर की वजह से चल रही है। किसकी वजह से? कस्टमर की वजह से। फॉर एन एग्जाम्पल जियो की बात करें, हम जियो की सिम नहीं देख रहे भी, हम जियो, हम नहीं खरीदेंगे जियो की सिम। अगर सारे इंडियन और जितने भी लोग जियो यूज करते हैं, जियो लेना बंद करते हैं, तो जियो अभी जमीन पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ में आ रही बात? कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री उठा लो आप, सलमान खान है या कोई भी और कोई बड़ा स्टार है, अगर हम उसकी मूवी नहीं देख रहे, मूवी देखेंगे ही नहीं, बंद कर दें हमने मूवी देखना, क्या होगा? ये सारे लोग जमीन पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, समझ में आ रही? कोई भी कंपनी उठा सकता है, कोई भी। तो दुनिया को चलाने वाले कस्टमर हैं आप और हमें, जो दुनिया को चला रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? कोई भी, मान लो मैं मोबाइल ना खरीदूँ, कोई भी किसी नोकिया का कोई भी मोबाइल, कोई भी बंदा, इंक्लूडिंग इंडियन और नॉन इंडियन, नोकिया का मोबाइल ना खरीदे या किसी और कंपनी का मोबाइल ना खरीदे, क्या होगा? वो कंपनी जमीन पर आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो कस्टमर इज द किंग, क्योंकि जो भी कुछ इस दुनिया में चल रहा है उसको हम लोग चला रहे हैं। तो गाइस जब हम लोग चला रहे हैं, हम लोग सोशल हैं, हम लोग समाज हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, दैट इज कॉल्ड द CSR, इसका नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये CSR। CSR जिसका मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे CRS स्कीम चलती है बड़ी कंपनी के अंदर। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने क्या निर्धारित किया कि इफ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, देन यू हैव टू गिव सम ऑफ योर अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट, इन टू द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कुछ अपनी जो कमाई हुई रकम है, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना होगा। तो इसलिए, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सारी बैंक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो अलग बात है कि धीरे धीरे लॉस में जा रही है, बट
फिलहाल वो प्रॉफिट कमा रही है, तो जब वो प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज पर द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ हिस्सा गरीबों में या जरूरतमंदों को देना ही पड़ेगा। तो वो जो मैंने बताया ना कि वो जो गरीब आदमी रिक्शा खींच रहा है जिसके पीछे लिखा हुआ है कि सौजन्य से पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो स्टेट बैंक इंडिया को मजे नहीं आ रहे अपना पैसा बांटने में, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने उसके तहत उसको दे रहे हैं। अब एक चीज और है, जितना बड़ा आपका प्रॉफिट उतने बड़े आप काम कर सकते हैं। अब जैसे बैंक वैंक के प्रॉफिट थोड़े कम है, वही मैं बात करूँ IOCL की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, या मैं बात करूँ NTPC की, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो ये छोटे मोटे काम नहीं करती। ये क्या करवाती हैं, ये कॉलेजेस खुलवाते हैं या हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, ये क्या खुलवाएंगे, हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे जहाँ पे फ्री में इलाज होगा या सस्ते में इलाज होगा, ये स्कूल्स खुलवाते हैं जहाँ पे फ्री में पढ़ाई होती है गरीब लोगों के लिए, तो ये बड़े लेवल का काम करते हैं। या कहीं कोई ऐसा इलाका जहाँ बाढ़ पीड़ित हैं वगैरह, तो अरबों खरबों रुपये करोड़ों रुपये दान कर देते हैं। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो टर्म है बेटा, ये अगर आप अब अगेन कि अगर आप एक कंपनी है और आप सोशल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो अगेन आप ISO को लेटर लिखेंगे कि सर वी आर डूइंग दिस, वो लोग आएंगे आपकी कंपनी को चेक करेंगे कि हाँ वाकई में आप ऐसा कर रहे हो या नहीं, और अगर आप रियल में ऐसा कर रहे हो तो वो आएंगे और आपको सर्टिफिकेट करके चले जाएंगे। तो अगेन आपको याद रखना है ISO 26000 का क्या मतलब है, ISO 26000 का मतलब है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ISO 45000 या 45001, ठीक है, सीरीज होती है बेसिकली, तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको आप 45001 कर लो, ठीक है, ISO 45001 45001, और 45000 भी ठीक है, एक्चुअली सीरीज होती है 002 भी होगा 3 भी होगा, तो बस यहाँ से स्टार्ट करना है, 45000 को आपको याद रखना है। तो इसका मतलब होता है OHASS, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है ये, इसका मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम। वन मोर थिंग, जो सिस्टम है उसको सिस्टम और स्टैंडर्ड दोनों ही बोल सकते हैं, हमने जितने भी अभी तक पीछे जितने भी ये स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, जैसे इसमें आ रहा है QMS, तो यू कैन से क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली EMS का मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कुल मिला के उस फील्ड को याद रखना है, एनवायरमेंट की फील्ड हो गई, ये किसकी फील्ड आई है चेक करते हैं। ISO 45001 का मतलब है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब इसमें दो टर्म जुड़े हुए हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और एक जुड़ा हुआ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसको समझते हैं पहले एक बार। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, अपना काम धंधा या अपनी नौकरी, सिंपल टर्म में बात करूं तो मान लीजिए आप किसी सीमेंट की कंपनी में काम करते हैं, सीमेंट की कंपनी में काम करते हैं, वहाँ सीमेंट उड़ता रहता है, और अगर वो सीमेंट उड़ता है तो वो आपकी सांसों के थ्रू आपके फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जमा हो जाएगा और धीरे धीरे आप मौत के मुंह में ढकेलते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द स्लो डेथ। हमें पता नहीं चलता बट अंदर ही अंदर हमारा फेफड़ा खराब होने लगता है। तो ये हो गया, यानी कि उस जॉब को अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ किस में है, आपकी हेल्थ खतरे में है, किस में है, खतरे में, समझ में आ रही बात, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सिमिलरली मान लो आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ सल्फर उड़ रहा है, सल्फर का फ्यूम आ रहा है, तो धीरे धीरे वो सल्फर आपके अंदर जाएगा और आप सल्फर एक तरह जहर का काम करता है, धीरे धीरे आप मर जाएंगे। तो यानी ऐसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी आपके व्यवसाय में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली, समझ में आ रही बात। तो आपकी हेल्थ को बचाने के लिए कंपनी क्या प्रोवाइड करवा रही है, आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कंपनी ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया ISO 45001, ठीक। तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या है वो भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत बढ़िया कंपनी है ना, बहुत हरियाली है चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी की जो बिल्डिंग है वो 100 साल पुरानी है, आए दिन छत ऊपर से गिर पड़ती है। एक दिन क्या हुआ, वर्कर काम कर रहे हैं, पता चला पूरी छत पे से 100 वर्कर नीचे गिर पड़े, सारे मर गए। दिस इज व्हाट सेफ्टी, अंतर समझ में आया, हेल्थ और सेफ्टी में अंतर है। मतलब कंपनी हरी भरी है, बहुत अच्छा सब कुछ, बट सेफ्टी नाम की चीज नहीं है। लेआउट इस तरह का कंपनी का है कि आए दिन गाड़ियां टकरा जाती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कुछ इस तरह का लेआउट है कंपनी का, तो इसका मतलब वो कंपनी सेफ नहीं है। आए दिन वहां हादसे होते रहते हैं, कभी बॉयलर फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसका मतलब सेफ्टी की चीज वहां पे नहीं है। तो दोनों में अंतर है, हेल्थ का मतलब काम करने से जो भी आपकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है वो, सेफ्टी का मतलब कि सेफ्टी मतलब बाहर से,
कोई चीज आपके छत, मान लो आप काम कर रहे हो, छत गिर पड़ी आपके ऊपर, राम राम सत्य हो गया। तो गाइज इस चीज को बताना चाह रहा हूँ मैं, तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के अंदर। तो गाइज आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि आपको इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है, अपने एम्प्लॉय की हेल्थ का भी ख्याल रखना है और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको, आपने देखा हो आजकल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी हेल्थ स्कीम चलती है, आए दिन हर साल में दो तीन बार चेकअप्स होते हैं ताकि अपने एम्प्लॉय को सही रख पाएं। इसके अलावा सेफ्टी का मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो कंपनी समय समय पर मेंटेनेंस करवाती है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, समझ में आ रही बात। अब चलिए मान लीजिए ये तो हो गई इस स्टैंडर्ड की बात, तो 45001 का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, आप इसको याद रखेंगे। अब मान लीजिए आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप की शिकायत करोगे, इंडिया में जाओगे, इंडिया में तो चलने वाली है नहीं आपकी, ठीक है। मान लो आपका कोई, आपने कंप्लेन करी थी कि साहब मशीन बार बार दिक्कत दे रही है, और वहाँ के वहाँ का जो मैनेजर है सुन ही नहीं रहा है, कंपनी वाले सुन ही नहीं रहे हैं, और एक दिन फाइनली मशीन ने धोखा दे दिया और आपका हाथ कट गया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट मान लीजिए कि किसी बंदे का हाथ कट गया जबकि उसने कई बार बोला था कि सर ये मशीन सही नहीं चल रही, सही करो उसको। अब ऐसे में हम क्या करें, तो ऐसे में आप कंप्लेन लिखाओगे, इधर उधर जाओगे, भैया चलने वाली तो है नहीं आपकी, आप हमेशा दो नहीं, ठीक है गाइज। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करता है, ध्यान से सुन लेना गाइज, ILO। अब ये ILO क्या है, ILO है इंटर नेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, जितनी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ सब आपको याद रखनी है। ILO का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आप लेटर लिखेंगे कि मेरे संग ये दिक्कत हुई है, नो डाउट ये भी जल्दी नहीं सुनेंगे, बट जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो कोई तो कुछ करेगा, ठीक। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर्स के हित में काम करती है और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इनकेस कोई हादसा होता है आपके इंडिया में सुनवाई नहीं हो रही तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के दो, फर्स्ट और सेकंड, ISO 9001 एंड 14001 एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी। एज यू नो कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंड है आज भी, धीरे धीरे जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उस पर हम लोग बढ़ रहे हैं, बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं लाइक कोयला हो गया, इस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं आज भी। जो NTPC है वो पूरा ने, मतलब हमारे इंडिया में जो बिजली पैदा होती है वो भी 60% कोयले से डेवलप होती है, कोयले से जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी, धीरे धीरे हम एनर्जी के सोर्सेज को खो रहे हैं, जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो इन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। तो एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई एनर्जी के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। तो जैसे ही एनर्जी की बात आती है तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड का नाम क्या है, 50001, 50001। इसका अगेन नाम है EMS, पिछला वाला भी EMS था, दैट वॉज द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, बट हियर दिस इज द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद दिस टू। तो एनर्जी मैनेजमेंट, अब ये क्या सिस्टम है समझाता हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि आपने कितनी एनर्जी सरकार से खरीदी, बाहर से खरीदी, कितनी एनर्जी आपने खुद डेवलप करी, और आप अगर खुद डेवलप करो तो ऑब्वियसली सरकार की एनर्जी बच जाएगी, यस और नो, और उस एनर्जी को गांव में दे सकता है, उस बिजली को गांव में दे सकते हैं वो। तो आपने खुद से कितने अपने खुद के पावर प्लांट लगा रखे हैं, अगर आप एक कंपनी है तो आप कितनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, कुल मिला के मुद्दा ये है। तो आप बहुत अच्छे से फील्ड में हैं आपने, और इसके अलावा केवल ऐसे ही नहीं कि आप केवल पावर प्लांट तक ही सीमित हैं कि आपने खुद कितने पावर प्लांट लगा रखे हैं, इसके अलावा आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एनर्जी के प्रति कितना सजग कर रखा है। मतलब कभी कभी क्या होता है, आप ऑफिसेज में जाते हो, ये ऑफिस है, कभी कभी क्या होता है ऑफिस में जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल ये ऑफिस है और इस ऑफिस में ऑफिसर है ही नहीं और लाइट जली हुई है, पंखा चल रहा है, या मान लो कोई वर्कर मशीन पे काम कर रहा है, उसे किसी काम से जाना पड़ा, मशीन चालू छोड़ गया वो शॉप फ्लोर पे, समझ में आ रही बात। तो गाइज यहाँ ऑफिस में बिजली चल रही है, यहाँ शॉप फ्लोर पे मशीन बिना बात के चालू है, तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग एनर्जी। तो ये चीज़ भी काउंट होती है जब आप इस स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो वो लोग जब चेक करने के लिए आते हैं तो वो केवल ये नहीं देखते कि आपने कितनी एनर्जी बचाई,
ये भी देखते हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज को कितना एनर्जी के प्रति सजग कर रखा है, वो कितने ओबीडियंट है इस चीज को लेके कि हाँ मैं एनर्जी बचानी है। एक बात मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो, अगर आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, मैं तहे दिल से चाहूंगा कि आप सेलेक्ट हो महारत्ना कंपनी में, जिसमें एक कंपनी है ना NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो गाइस जब आप उस कंपनी में विजिट करोगे या मैं बोलूँगी आप सेलेक्ट होगे वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि बिजली कितनी कठिनाइयों से पैदा होती है और हम बड़ी आसानी से उसको बटन चालू किया और खुश हो गए। नो डाउट हो सकता है पैसे वाले हो, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, बट नेशन कैन नॉट, देश नहीं कर सकता सर। आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आप पैसे वाले हो, आप तो बोलते हो सर मैं तो बिजली बिल भरता हूँ तो ये क्या दिक्कत आ रही है, भर दूंगा मैं तो। नो, आप भर सकते हो बिल, नो डाउट आपके पास पैसा है, बट वही बिजली अगर आप बचाते तो कई गरीबों में चली जाएगी, इस चीज को समझना होगा आपको। तो बिजली नो डाउट आप पैसा दे दोगे, आप अफोर्ड कर सकते हो, बट नेशन कैन नॉट, देश के पास अभी भी बिजली की कमी है। तो इसलिए मेरे बच्चों आप इस लेक्चर को सुन रहे हो तो काइंडली अपने घर वालों को, चाहे आप कितने बड़े पैसे वाले हो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, बड़ी मुश्किल से बिजली पैदा होती है सर, तो इसको वेस्ट ना करें प्लीज। सो हमारा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हम बचाएं, ठीक है, और अपने घर वालों को अवेयर करें कि बिल भरने का मतलब नहीं है, बिल भर देंगे हम, लेकिन व्हाई शुड बी वेस्ट एनर्जी, क्यों एनर्जी को हम वेस्ट करें। तो गाइस बात को ध्यान रखेंगे। खैर एनीवेज कम बैक टू द पॉइंट, तो एनर्जी मैनेजमेंट, अगर आपके कंपनी के अंदर एनर्जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपके आपने लेबर्स को बहुत अच्छे समझा रखा है, तो गाइस आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कौन सा, 50,000 A। तो 6 सर्टिफिकेशन मैंने आपको बताएं, इनको प्लीज पढ़ लेना कि इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है, नॉट इन गेट बट अपार्ट फ्रॉम द गेट, जो भी आप PSUs देंगे लाइक BHEL हो गया या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो कंपनी पूछ लेती है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा ये बारे में था स्टैंडर्ड्स के, ठीक। एक चीज़ मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको, ये 6 स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ लेना, 2 स्टैंडर्ड मैं अलग से अपनी तरफ से आपको थोड़ा समझा देता हूँ जिसको आप याद रखेंगे। आपने देखा होगा कि आप अपनी बैंक की जो पासबुक होती है, आप उसको प्रिंट करा के लाते हो पासबुक को, तो उसमें जो भी आपका अमाउंट होता है उसका INR लिखा होता है, INR ऑफ करेंसी। माइंड इट प्लीज, अगेन आई एम रिपीटिंग, INR इज द इंडियन नेशनल रूपी एंड दिस इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ करेंसी। सिमिलरली USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये भी इंटरनेशनल कोड है किसका, करेंसी का। कौन, किस देश की करेंसी, यूनाइटेड स्टेट की। ये किस देश की करेंसी, इंडियन की, इंडियन नेशनल रूपी। तो गाइस ये नाम किसने दे दिए, ये कोड किसने डिफाइन कर दिए, तो ये कोड्स डिफाइन करें, ध्यान से सुन लें, ये कोड डिफाइन हुए हैं ISO 4217। ये एक ISO का स्टैंडर्ड है जिसमें किसको डिफाइन किया गया है, करेंसी कोड्स को, किसको, करेंसी कोड्स को। तो प्लीज इसको याद रखेंगे, मे भी कोई पूछ ले, ठीक। तो ISO 4217 किसको बताता है, करेंसी कोड्स को बताता है। इसके अलावा आप लोग गाइज क्रिकेट के बड़े शौकीन होंगे, मैं बोल सकता हूँ, देखते होंगे क्रिकेट वगैरह, तो जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट जब आप देखते हैं तो एक स्क्रीन चलती है साइड में जहां पे स्कोर आता है, स्कोर लिखा रहता है लाइक दिस, कुछ इस तरह से लिखा होता है, एक डायलॉग बॉक्स बना होता है नीचे की तरफ, इस तरफ में साइड में यही बना देता हूँ, इस तरह से डायलॉग बॉक्स होता है, यहाँ लिखा होता है इंडिया INDI और फिर यहाँ लिखा होता है 17 run 1 wicket वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से लिखा होता है ना। ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होगा तो OUS लिखा होगा, है ना, OUS समथिंग लाइक दैट। तो ये भी इंटरनेशनल कोड्स हैं, किसके कोड्स हैं, ये इंटरनेशनल कोड है किसके, कंट्री के नाम के, किसके नाम के, कंट्री के, कंट्री के नाम के कोड है ये, दीज आर द कंट्री कोड्स, समझ में आ रहा है, दीज आर द कंट्री कोड्स। स्लाइड पीछे चला गया, कोई नहीं। तो ये जो आपने नाम लिखा हुआ है ये कंट्री कोड्स, ठीक, इसको आगे डील कर लेते हैं। तो जिस तरह से इंडिया का नाम INDI लिख दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का नाम OUS लिख दिया जाता है, पाकिस्तान का नाम PAK समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह से आपको ये
हमने अपनी मन से नहीं लिख दिए, इनके पीछे स्टैंडर्ड छुपा हुआ है। कौन सा स्टैंडर्ड है वो? तो सी एवरीवन, उस स्टैंडर्ड का नाम है ISO 3166। क्या नाम है? ISO 3166, ISO 3166। तो ISO 3166 इसको बताता है, ISO 3166 बताता है कंट्री कोड्स को। किसको बताता है? कंट्री कोड्स को। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखेंगे, ISO 4270 बताएगा करेंसी कोड और ISO 3166 बताएगा कंट्री कोड्स। ठीक, तो इनको अलग से आप पढ़ लीजिएगा। तो याद रखना है कि ये ऐसे ही हवा में नहीं लिख दिया गया, इसके पीछे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छुपी हुई है जिसने इनको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कितने तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज से हम चालू करने जा रहे हैं अपना एक्चुअल टॉपिक। यस, फिर इसके बाद हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तक जो हमने पढ़ा वो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट दिस इज रिलेटेड टू गेट। जो पिछला हमने पढ़ा अभी तक वो एक्चुअली बेसिक नॉलेज के लिए था, बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज बेसिकली रिलेटेड टू गेट, रिलेटेड टू IAS एग्जामिनेशन। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की। तो कन्वेंशनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। द वेरी फर्स्ट इज जीरो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? जीरो प्रोसेस। दूसरा पॉजिटिव प्रोसेस और तीसरा नेगेटिव प्रोसेस। अब ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जीरो प्रोसेस की। जीरो प्रोसेस, तो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट या यू कैन से वर्क पीस, कौन सा पीस? वर्क पीस। ऑब्जेक्ट या वर्क पीस एक ही चीज है। इट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट का मास होगा, ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो कैसा होगा? कॉन्स्टेंट। ऑब्जेक्ट का मास यहां पे कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ठीक है गाइस, आप कहोगे सर ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो अभी देखते हैं। सी एवरीवन, इसमें बेसिकली तीन तरह के प्रोसेस आएंगे। फर्स्ट जो सॉलिड फॉर्म में होगा, याद रखना है आपको सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। दैट फॉर एन एग्जांपल, सॉलिड फॉर्म का मतलब मैं प्रोसेस का नाम लिखने जा रहा हूँ अब, दैट इज मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक, या लिक्विड फॉर्म में बात करें, लिक्विड और सेमी लिक्विड, लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में बात करें तो बेटा नाम हो जाएगा कास्टिंग। क्या नाम हो जाएगा? कास्टिंग। या सेमी लिक्विड का मतलब हो गया, और सेमी लिक्विड का मतलब हो जाएगा इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक। सिमिलरली ये पाउडर फॉर्म में भी होता है, ये पाउडर फॉर्म में भी होता है। पाउडर फॉर्म की जब बात करेंगे तो प्रोसेस का नाम होता है पाउडर मेटलर्जी। ठीक है गाइस, तो इन तीनों ही प्रोसेस को मे बी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, इतने बुद्धू भी आप नहीं होंगे, आई नो दैट, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज सभी को होती है। तो ये टॉपिक्स आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़े होंगे, कम ज्यादा पढ़े होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज भी हो सकती है, बहुत कम नॉलेज भी हो सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना समझना है कि ये जितने प्रोसेस के नाम मैंने लिखे हैं, लाइक मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस या कास्टिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग या पाउडर मेटलर्जी, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये वो प्रोसेस है कि जब आप इन प्रोसेस को करोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका मास हमेशा कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सी, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं सारी चीजों को, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ये
डाई है, दिस इज डाई है, दिस इज बेसिकली अपर पार्ट ऑफ डाई, अपर पार्ट, ठीक है गाइस। और ये नीचे इसका बॉटम पार्ट हो गया या लोअर पार्ट ऑफ डाई, अब आपने क्या किया, आपने इस इन दोनों पार्ट्स के बीच में ये बॉटम पार्ट हो गया या लोअर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट ऑफ डाई, और यहाँ बीच में आपने मटेरियल रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, या आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और डाई को क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज। जैसे डाई क्लोज होगी तो यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो डाई के अंदर जो शेप बनी हुई है उसको अटेंड कर लेगा और ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट का मास चेंज हुआ, नहीं हुआ, मास कैसा रहा, कॉन्स्टेंट रहा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जीरो प्रोसेस, क्या बोलेंगे, जीरो प्रोसेस, या इसका दूसरा नाम हो सकता है न्यूट्रल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, न्यूट्रल प्रोसेस, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रोसेस। Are you getting my point, guys? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पिछले जितने भी मैंने नाम लिखे थे वो सारे के सारे कैसे प्रोसेस हैं, जीरो प्रोसेस हैं, और ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं आगे। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रोसेस, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जीरो समझ लिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें मास कॉन्स्टेंट, अब आया पॉजिटिव प्रोसेस जिसमें मास बढ़ जाएगा। तो देखिए गाइस, ऐसे प्रोसेस का दूसरा नाम होता है, दीज प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड जॉइनिंग प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, जॉइनिंग, जॉइनिंग प्रोसेस इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कौन आता है, वेल्डिंग और सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग एक्सेट्रा, और भी कुछ चीजें आती है जो मैं आगे आपको जॉइनिंग प्रोसेस में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक। तो ये ऐसे प्रोसेस है जहां पे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, देखिए मान लीजिए मैंने एक प्लेट ले ली, दिस द प्लेट हियर, एक प्लेट यहां पे ले ली और एक प्लेट इसके जस्ट बराबर में रख दी मैंने, और मैंने इन दोनों प्लेट के संग में क्या किया, इन दोनों प्लेट को मुझे प्रोसेस का नाम क्या, जॉइनिंग, जॉइनिंग, जॉइनिंग का मतलब जोड़ने वाला, अभी दोनों प्लेट को मुझे जोड़ना है, तो जोड़ा कैसे मैंने, वेल्डिंग से, तो यहां मैंने इनके एज पे वेल्डिंग कर दी लाइक दिस, और जैसे ही वेल्डिंग करी तो इट इज ऑब्वियस वेल्डिंग किससे करेंगे हम, हमारे पास एक रॉड होगी, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रोड बोलते हो, तो इलेक्ट्रोड पिघल के इसके अंदर चला जाएगा, तो ओवरऑल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओवरऑल मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मास इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारे लिए पूरा वर्क पीस अब ये हो गया, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का मास अब पहले से इंक्रीज कर गया, इसीलिए प्रोसेस का नाम क्या बना, पॉजिटिव प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मास इंक्रीज कर जाए। और देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ये एक प्लेट ली और इस एक प्लेट को आपको एक दूसरी प्लेट से जोड़ना है, आपने क्या किया, रिविट डाल दिया, रिविट जानते हैं हम लोग, नहीं जानते तो गाइस आप पढ़ेंगे मशीन डिजाइन वगैरह में, रिविट, रिविटेड जॉइंट, तो ये हमने बीच में क्या कर दिया, रिविट घुसेड़ दिया, ये अंदर रिविट चला गया, ठीक। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली रिविट को शो कर रहा है, किसको, रिविट, और ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं रिविटेड जॉइंट, ये रिविट को शो कर रहा है। तो गाइस ये दोनों प्लेट थी,
प्लेट वन प्लेट टू, प्लेट वन प्लेट टू, और इन प्लेट को हमने क्या किया रिवेट के थ्रू जोड़ दिया, तो ओवरऑल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर मास बढ़ रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव प्रोसेस या जॉइनिंग प्रोसेस, या इसका दूसरा नाम होता है एडिटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? एडिटिव, जिसमें हमारा मास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस को अगेन हम डील करने वाले हैं डिटेल में आगे। नेक्स्ट नेगेटिव प्रोसेस, अब तो समझ ही गए होंगे आप, नेगेटिव का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच, सी एवरीवन, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। एक ऐसा प्रोसेस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल कटिंग ऑपरेशंस, ऑल मेटल कटिंग ऑपरेशन, जितने भी मेटल कटिंग ऑपरेशन है वो, जिनको हम मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मशीनिंग, जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन है वो सारे के सारे कैसे प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस। कैसे नेगेटिव है, देखो टर्निंग ऑपरेशन की बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक ये बार है, ये एक सर्कुलर रॉड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, और इस सर्कुलर रॉड को डायमीटर, इसके डायमीटर को हमें कम करना है, क्योंकि हम जानते हैं टर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर, ठीक, स्ट्रेट टर्निंग की बात कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्सिस, ये इस शाफ्ट का एक्सिस है, ठीक, और ये इस एक्सिस को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूल लेके आते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज द कटिंग टूल, यही बेटा डिटेल में आगे हमें पढ़ना है, एक दो लेक्चर बाद में मशीनिंग ही स्टार्ट करने वाला हूं, तो हैव पेशेंस। तो ये हमने कटिंग टूल ले लिया, दिस इज द कटिंग टूल हियर, और इस टूल को मैं इस डायरेक्शन में मूव करा दूंगा, जैसे मैं इस डायरेक्शन मूव कराऊंगा तो ये घर कटिंग कर देगा, क्या कर देगा, कटिंग, ये इस डर जाएगा, तो ये इसकी कटिंग एज है, आगे पढ़ने वाले हम लोग, दिस इज द कटिंग एज, बेसिकली दिस इज द कटिंग एज, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज होती है टूल की, तो ये कटिंग एज क्या करेगी, जब वर्क पीस से टकराएगी तो यहाँ से, और ये घूम रहा है मोशन में, आप लोग टर्निंग ऑपरेशन जानते भी होंगे, तो ये क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये ऐसे करके आगे जाएगा टूल, और लेटर यहाँ तक गया ये, तो इस तरह से इस बार का डायमीटर कम हो जाएगा, इस बार का डायमीटर कम हो जाएगा, और इतने पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेजर ले लिया, पूरी लाइन ही चली गई, एनीवेज इसको दोबारा बना देता हूँ। तो इतने पार्ट का डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया, यू कैन सी हियर, ये डायमीटर इस तरह से कम हो जाएगा, और अगर डायमीटर कम हो रहा है तो डियर फ्रेंड्स यू नो कि मटेरियल कम हो गया, और अगर मटेरियल कम हो गया तो मास बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बात है मास घट जाएगा। तो गाइस एक ऐसा प्रोसेस कहलाएगा नेगेटिव प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट का मास घट जाए उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है गाइस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस, सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, सब्ट्रैक्ट माने होता है घटाना, तो घटने वाला प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो घट जाए, ठीक। तो गाइस कन्वेंशनली ये तीन प्रोसेस ही हैं, ध्यान से सुन लो, कन्वेंशनली ये तीन प्रोसेस ही हैं, और इन तीन प्रोसेस में, इन तीन प्रोसेस के ऊपर ही हमारा मॉड्यूल वन चलने वाला है। आपको मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हम पूरे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को तीन मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू, है ना। तो दो मॉड्यूल जो हमारे पास अवेलेबल है, मॉड्यूल थ्री भी होता है जिसको मैंने अभी नहीं पढ़ाना है, दैट इज द अपार्ट फ्रॉम द गेट, वो गेट के बाहर चला जाता है, जो ईएस में आता है, अभी मैं केवल गेट का सिलेबस फोकस कर रहा हूँ। तो हम पूरे प्रोडक्शन को, पूरे मैन्युफैक्चरिंग को दो मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू। तो पूरा मॉड्यूल वन अगर आप चेक करेंगे तो पूरे मॉड्यूल वन में क्या है, मशीनिंग है, मेटल कटिंग है, वेल्डिंग है, यस, इसके अलावा मेटल फॉर्मिंग है, तो ये तीनों प्रोसेस उसके अंदर अवेलेबल है।
तो ये तीनों प्रोसेस ही हमें वहां पे पढ़ने हैं, कौन कौन से, जीरो प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस एंड नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है गाइस, तो इनके नाम याद रखेंगे। तो आगे वाले लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, यस जिसको हम बोलते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करिएगा, क्योंकि रैपिड प्रोटोटाइपिंग पढ़ाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा गेट का रियल टॉपिक, दैट इज़ अ मेटल कटिंग ऑपरेशंस। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए कि गेट की क्लास चल रही है ऑनलाइन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी समझ में आए। और जाने से पहले हमेशा की तरह गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा ये यूनिक कोड जो आपके 10% पैसे बचा सकता है, कितने परसेंट, 10%। तो मेरा ये यूनिक कोड आपको याद रखना है, दैट इज़ GPS लाइव, और जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को भी बताएं, क्योंकि Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको घर बैठे कोचिंग मिल रही है, और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहां पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं जिनको बहुत सारा अनुभव है, ऐसा नहीं कि नया फैकल्टी यहां पे आके बस मुंह उठा के चलाया, नहीं, इंडिया के ऐसे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। ठीक, वन मोर थिंग, जिस चैनल पर हमारा ये वीडियो जाता है वो बेसिकली जॉब नोटिफिकेशन का चैनल था पहले कभी, तो उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं कि सर ये बता दो, वो बता दो, नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहे। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमने प्लान कर रखा है, आपको आने वाले समय में 2-4 दिन बाद आपको जॉब के नोटिफिकेशन मिलेंगे, एज वेल एज आप जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन पूरा मिलेगा। अब एक बात बताइए, पहले केवल नोटिफिकेशन मिलता था, अब आपको साथ में क्या मिल रहा है, नोटिफिकेशन के साथ साथ फैकल्टीज के लेक्चर भी मिल रहे हैं। अब दो चीज़ हमने प्लान कर ली है, एक तो हम नोटिफिकेशन देंगे ही देंगे, प्लस उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं, किस किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल इसरो का कोई जॉब निकला, तो उस इसरो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो हमारी फैकल्टी आपको बताने वाली है। तो इसलिए नेगेटिव होने की जगह पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए सर, क्योंकि गाइस एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में सक्सेस होने का, खुश रहने का एक मंत्र याद कर लो कि जिस जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके पहुँच से बाहर है, उसके लिए सरदर्द करना बंद कर दो, उस काम को करो जो आप कर सकते हो, समझ में आ रही बात, उस काम पे ज़्यादा फोकस करो जो आप कर सकते हो। तो कर क्या सकते हैं हम लोग, कुछ दिन बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, अपने आप नोटिफिकेशन आएंगे, और फैकल्टीज के बारे में भी बताया जाएगा, आप उसको पढ़िए, देखिए, जानिए और आगे बढ़िए, रदर देन कि उसमें उल्टे सीधे कमेंट्स करके गाइज आप अपने सिर में दर्द कर रहे हो फालतू में। तो मेरा सजेशन ये है कि जो काम आप कर सकते हो उस पर फोकस करो। ठीक है गाइज, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम विद यू, टीम Unacademy इज विद यू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए।